हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जो कि अक्सर मास्टर्स लेवल पे पूछा जाता है और आपकी एकेडमिक्स में भी होगा, जिसको कहा जाता है काइनेटिक्स ऑफ अ पैरेलल रिएक्शन। ना बेसिकली पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है आर, और अगर वो रिएक्टेंट मुझे एक साथ दो अलग अलग प्रोडक्ट अगर मुझे देता है, जैसे अगर वो आर मुझे देता है एक प्रोडक्ट ए देता है, और अगर मुझे एक प्रोडक्ट लेट अस से बी देता है, तो हम इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मैं एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मेरे पास एक ये फिनॉल है जिसको मैं HNO3 के प्रेजेंस में इसको मैं नाइट्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे एक जगह नाइट्रो ग्रुप जो अटैच होगा वो हो सकता है इसके इस पोजीशन पे अटैच हो जाए, और एक हो सकता है उसके इस पोजीशन पे अटैच हो जाए। तो ये जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू, दो स्पीड में जा रहा है, एक तरफ ये प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास, एक तरफ ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मेरे पास वही रिएक्टेंट होता है आर, और अगर वो मुझे दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है कहीं पे, तो पहले रिएक्शन को मैं कहूंगा रेट को K1 कहता हूँ, दूसरे के रेट को क्या कहता हूँ, K2 कहता हूँ। अगर मान लो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था मेरे पास A, ठीक है, उस समय ये 0 और 0 हुआ होगा, थोड़ी देर के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A-X, और यहाँ पे कितना बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये X बनेगा, क्योंकि जितना ये बन रहा है उसी स्पीड में ये भी उतना बन रहा है। वो अलग बात है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, रेट अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ से जो अमाउंट गायब हो रहा है वो इक्वल है, यहाँ से जो अमाउंट गायब हो रहा है वो सेम है। अब वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो A में जाके कन्वर्ट होता है कि B में जाके कन्वर्ट होता है, पर यहाँ से निकलते समय कितना जाएगा, X जाएगा। अब वो X A में कन्वर्ट होगा कि X B में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि रेट कॉन्स्टेंट किसका ज़्यादा है। तो अगर मुझे ऐसे रिएक्शन की कभी अगर मुझे रेट लिखनी पड़े, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना पड़े, और वो भी किसके टर्म्स में लिखना पड़े, मुझे प्रोडक्ट के टर्म्स में, आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे dx by dt विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना गायब हो रहा है प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट बन रहा है ए और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है बी। तो मैं कहूँगा प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस यहां पे आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। तो मुझे बता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए यानी dP/dt, अब उसमें भी क्या आ जाएगा dA/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा K1 इंटू उस समय ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सो दैट विल बी A-X। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी की बात करूँ तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा K2 into A-X। देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट ओवर दैट, आई विल गेट दैट पॉइंट। तो ए कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बी कितना बनेगा वो भी डिपेंड करता है कि उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, आप दोनों को वहाँ पे ऐड कर दो, तो dx/dt विल बी इक्वल टू K1 into A-X plus K2 into A-X। अब समझ में आया, अब A-X को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा मेरे पास, K1 plus K2 बचेगा, और अंदर क्या आ जाएगा A-X कॉमन निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा dx/dt। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगला स्टेप अब हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वी वॉन्ट एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखिए मुझे इंटीग्रेट करना था, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, dx/dt था, dx/dt विल बी इक्वल टू K1 plus K2, और यहाँ पे क्या आ जाता A-X आ गया था। अब A-X को नीचे ले लो, dt को उधर ले लो, तो dx/A-X विल बी इक्वल टू K1 plus K2 into dt। अब इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करना है, 1 upon A-X, dx का इंटीग्रेशन करना है, विल बी इक्वल टू K1 plus K2, और इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, K1 plus K2 होगा इसका आंसर, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट c, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, नाउ वी नो दी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon A-X करना है और dx करना है, तो इसका आंसर आएगा -natural log of A-X। रीजन क्या है, x के बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -natural log of A-X। समझ में आया। अब मुझे यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो c का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूँगा, तो x का वैल्यू जब कितना होगा, जब टाइम x का वैल्यू 0 हुआ होगा, टाइम का वैल्यू कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा, एट दिस कंडीशन मुझे c का वैल्यू मिलेगा, तो c का वैल्यू इवेल्युएट कैसे करोगे, तो व्हाट विल बी c, विल बी इक्वल टू, देखो टाइम का वैल्यू 0 तो ये पूरा का पूरा 0, ये पूरा का ये टाइम x का वैल्यू 0, तो क्या बचेगा सिर्फ -ln of A बचेगा मेरे पास। अब इस c के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -ln of A-X विल बी इक्वल टू K1 plus K2 into time प्लस, अब c का वैल्यू डालना, तो ये हो जाएगा -ln of A,
समझ में आया। अब इस पूरे टर्म को यहीं पे रखो और इस पूरे टर्म को वहाँ पे लेके जाओ, तो जो माइनस में वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एल एन ऑफ ए, समझ में आया, विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टाइम। अब इसको सॉल्व कर लो, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ दिस ए बाई माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, समझ में आया, विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टाइम। तो हमको हमेशा किसके टर्म्स में लिखना होता है, हमको हमेशा के वन प्लस के टू के टर्म्स में लिखना होता है। तो के वन प्लस के टू विल बी इक्वल टू वन अपॉन टाइम नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ना आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो ये जस्ट लाइक आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स होता है उसकी तरह होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। बस फर्क यहाँ पे क्या आ जाता है, के वन प्लस के टू, क्योंकि यहाँ पे दो रेट कॉन्स्टेंट है, दो रेट ऑफ, क्योंकि मेरा जो रिएक्टेंट है वो अकेला सिर्फ ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो साइमल्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो रहा है अभी। तो अगर पैरेलल रिएक्शन है तो पैरेलल रिएक्शन के रेट ऑफ, अभी इसको अगर मैं आगे लिखूं, देखो पैरेलल रिएक्शन को अगर मैं आगे लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के वन प्लस के टू विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक्स। ना अगर मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, उसमें से अगर एक्स मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास कितना बचा, 80 बचा, उसी को 80 कहते हैं। तो ए माइनस एक्स को हम 80 भी तो कह सकते हैं ना, तो इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 ए जीरो डिवाइडेड बाय ए टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वन प्लस के टू। अब आप इसको कंपेयर करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ, आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन ए टी, सेम फॉर्मूला है, बस सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे दो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर आपके पास एक रिएक्टेंट आर है जो मुझे दो ए दे रहा है और मुझे एक वो बी दे रहा है, इसका अगर के वन है, इसका अगर के टू है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको मैं मेन बात बता दूँ, यहाँ पे हमने जो भी ये कंसिडर किया है, हमने ये क्या कंसिडर करके किया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है, तो और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बड़ी बात यह है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस समय हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, वो भी स्पेशली किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स अगर हो, पैरेलल रिएक्शन अगर सेकंड ऑर्डर का हो, उस समय आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान ही इसका काइनेटिक्स है, इसके काइनेटिक्स में कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा ये फंडा समझ में आना चाहिए कि कैसे करना था मुझे, स्पेशली ये जो स्टेप है, ये स्टेप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों रेट्स को ऐड करना है, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी वो एक्स होगी, और एक्स क्या बनेगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर एक्स कितना बन रहा है वो ए में भी जा रहा है बी में भी जा रहा है, तो दोनों को ऐड दोगे तो पता चल जाएगा कि एक्स कितना हुआ है, समझ में आया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।